भजन संहिता अध्याय 28। भजन संहिता अध्याय 28। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो पाताल में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दोहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बातें सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा मन प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और उन्हें संभाले रहा।